बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों को बहुत ही जायकेदार और जूसी से मटन चॉप्स बनाना सिखाऊंगी, वो भी बगैर ऑयल के, यानी कि विदाउट ऑयल। हम इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं यूज करेंगे, एक ड्रॉप भी नहीं। इसको हम एक बहुत ही यूनिक तरीके से बनाएंगे। इसको बनाना बेहद आसान है, बहुत ही कम मसालों में ये बनेगा और ये बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होगा। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल रखेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे मटन की चांपें, तकरीबन आधा किलो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक आधा टीस्पून भर के, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर। यहाँ पे आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में ना हो तो। हाफ टी स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। या तो फिर आप सिंपल इसमें कोई भी तिक्का या तंदूरी मसाला ऐड कर सकते हैं एडिशनल फ्लेवर के लिए, जैसे मैं बारबेक्यू ऐड कर रही हूँ। आप मसाले वाली पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ऐड कर लीजिएगा। और फिर हम इसको इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फिर आप यहाँ पे हल्का सा पानी इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि तमाम जो मसाले हैं वो गोश्त पे, यानी कि मटन की चांपों पे अच्छी तरह से चिपक जाए। अच्छे से इस तरह आपको तमाम मसालों को रब कर लेना है मटन पे। अब हम इसको कवर करके मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के। मैरिनेशन से ना मीट का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो जी, मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है। बहुत ही डिलीशियस हमारा ये मैरिनेट हो चुका है मटन। अब हम इसको एक बटर पेपर पे निकाल के अच्छी तरह से इसको बटर पेपर में रैप कर लेंगे। अच्छे से टाइटली रैप करना है आपको इस तरह से। और फिर हम इसको एक अल्मीनियम फॉइल में रख के अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। कहीं से भी इसकी जगह नहीं खुली हुई होनी चाहिए। और फिर अच्छे से हम इसको एक अल्मीनियम फॉइल में पैक कर लेंगे और एक और अल्मीनियम फॉइल में पैक कर लेंगे। इस तरह अच्छे से हमें इसको पैक कर लेना है, वरना हमारी कढ़ाई जो है वो बेकिंग के दौरान ख़राब भी हो सकती है, यानी कि मटन बेक होते हुए उसमें से अंदर से जूसेस निकलेंगे, वो कढ़ाई पे गिरेंगे और कढ़ाई जो है वो उस पर फिर निशान आ जाएगा और आपको फिर धोने में, वॉश करने में बहुत प्रॉब्लम होगी कढ़ाई। अब हम इसको बेक कर लेंगे। तो उसके लिए हम एक कढ़ाई रखेंगे, इसके ऊपर एक प्लेट इस तरह से रख देंगे, इसके ऊपर हम एक बेकिंग ट्रे रखेंगे, और यानी कि बेकिंग ट्रे ना हो तो फिर कोई भी प्लेट रख दें। इस तरह से 2 बर्तन हमें इस पर रखने हैं और फिर हम इसके ऊपर मटन रखेंगे। और अब हम इसको एक लोहे की तवे की मदद से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे ताकि कहीं से भी जो है ना वो अंदर की एयर जो है वो बाहर ना आ सके। अच्छे से कवर करके हम इसको बेक कर लेंगे। हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक कर लेंगे 1.5 से 2 घंटा। ये इंशाल्लाह अच्छी तरह से बेक हो जाएगा। तो जी, तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स। अब हम मटन को निकाल लेंगे कढ़ाई में से। 5 मिनट के लिए इसको रूम टेम्परेचर पे रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि जूसेस जो हैं वो थोड़े सेट हो जाएं। और अब हम इस तरह से इसको खोल लेंगे। देखे गया में तो बहुत ध्यान से खोलेंगे। और ये देखिए, सारा जूस जो मटन के एल्युमिनियम फॉइल पे आया है, अगर हम फॉइल यूज़ ना करते तो ये कढ़ाई पे गिर जाता और फिर कढ़ाई वॉश करने में बहुत प्रॉब्लम होती। इसके लिए हम इस तरह से अच्छे से इसको पैक करके बेक करते हैं। अब हम इसको खोल लेंगे। तो जी, ये बहुत ज़्यादा गर्म है और इसमें से बेइंतहा अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सा ये लग रहा है। ध्यान से हम इसको इस तरह से खोलेंगे तो ये देखिए अंदर कितना धुआं और कितना स्टीम है। अपनी ही स्टीम में ही मटन पक के रेडी हुआ है, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से बेक हुआ है, ये देखिए। ये बेहतरीन तरीके से मटन जो है वो गल चुका है। मैंने इसको 1.5 घंटे के लिए बेक किया है और इसमें एक हल्का सा बाइट है। अगर आप इसको 2 घंटा बेक करेंगे तो ये एकदम हलवा हो जाएगा। तो आप पे है, आप इसको 1.5 घंटा बेक करते हैं या फिर 2 घंटा। ये बेहतरीन तरीके से गल तो चुका है लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो बाकी है। अब हम क्या करेंगे कि हम सिंपल इस तरह से मटन को एक ग्रिल पैन या फिर फ्रैंक पैन पर निकाल लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे।
तो ये हल्का सा कैरेमलाइज हो जाएगा, हल्का सा ना ये ब्राउन सा हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन सा अपने जूस में पक के ये इसके ऊपर एक प्यारी सी लेयर आ जाएगी और इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा। इस तरह से देखें हमें इसको पका लेना है। अच्छी तरह से ना हम मटन को सियर कर लेंगे। मटन का जो फैट्स था ना वो ही इनफ ऑयल था, तो उसकी वजह से ना ऑयल की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। इसमें से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा इस तरह से बना के। तो मटन का तमाम जूस ड्राई हो चुका है, अच्छे से मटन पे लेयर आ गई है, अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो हम इसको सर्व कर लेंगे थोड़े से सैलेड के साथ। तो सिंपल थोड़े से सैलेड लीव्स रखेंगे, टोमेटो स्लाइसेस, अनियन रिंग्स, फिर हम इसके ऊपर इस तरह से मटन चॉप्स रखेंगे, इसको केचप और चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी इस पर लेयर भी आ गई है, और अब ये देखिए पहले से कितना ज़्यादा एपेटाइजिंग लग रहा है। तो इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिससे आपकी कुकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाता है सब कुछ। तो अगर आपको इस बहुत ही डिलीशियस से मटन चॉप्स की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।